में भरी चप्पल साफ करने पानी में उतरे दो युवकों की अंबाझरी तालाब में डूबने से मौत हो गई। मृतकों में इंदौरा निवासी मिहिर शरद उके और लश्करी बाग निवासी चंद्रशेखर किशोर वाघमारे बताए जा रहे हैं। अंबाझरी थाने में आकस्मिक मृत्यु का प्रकरण दर्ज किया गया है। कीचड़ से भरी चप्पल साफ करने पानी में उतरे दो युवकों की अंबाझरी तालाब में डूबने से मौत हो गई। हादसा रविवार की दोपहर में हुआ। दमकल की मदद से दोनों युवकों के शव बाहर निकाले गए। अंबाझरी थाने में आकस्मिक मृत्यु का प्रकरण दर्ज किया गया है। मृतक माया नगर इंदौरा निवासी मिहिर शरद उके और चंद्रशेखर किशोर वाघमारे लश्करी बाग निवासी है। दोस्तों के साथ घूमने निकले थे फुटाला अंबाझरी। मिहिर और चंद्रशेखर किसी महाविद्यालय में अध्ययनरत थे। रविवार होने से दोनों अपने मित्र प्रशिक अजय भिड़े और अक्षय प्रभाकर मेश्राम के साथ अंबाझरी तालाब पर घूमने गए थे। पहले सभी फुटाला तालाब गए, कुछ देर वहां घूमने के बाद अंबाझरी तालाब पर पहुंचे। इस दौरान मिहिर और चंद्रशेखर की चप्पलें कीचड़ से भरी होने के कारण दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर तालाब में चप्पल साफ करने के लिए उतरे। दोनों को तैरना नहीं आता था। कीचड़ साफ करते समय पैर फिसलने से दोनों पानी में डूब गए। उन्हें डूबता हुआ देखकर अक्षय और प्रशिक ने उन्हें बचाने के लिए शोर मचाया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। सूचना मिलते ही दमकल कर्मी और अंबाझरी थाने का दल मौके पर पहुंचा। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने दोनों के शव पानी से बाहर निकाले। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उनके मृत्यु की पुष्टि की। प्रकरण दर्ज किया गया है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ संजय मेरे, BCN न्यूज़ नागपुर।